नमस्कार। कुछ टर्म्स हैं बिल्कुल मिलती जुलती होती है, जैसे कि काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। ये जो टर्म्स हैं लोग कई बार बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, इनमें फर्क क्या है? नंबर एक। नंबर दो, इनमें बेहतर कौन है? इन्हें दोनों बातों को बहुत ही सरल भाषा में समझिए। ये तीनों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जुड़ते भी हैं, लेकिन ये तीनों एकदम अलग भी हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे साइकेट्रिस्ट को। साइकेट्रिस्ट यानी कि एक डॉक्टर होता है जो कि बाकायदा आपका डायग्नोज करता है, आपको दवाइयाँ देता है। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है दवाई देने के लिए, आपकी एनाटोमी को समझने के लिए बायोलॉजिकल नॉलेज उसको ज़्यादा होता है, और वो काउंसलिंग में यानी कि मेंटल डिसऑर्डर में भी वो ट्रेंड होता है। जहाँ पे साइकोटिक इश्यूज होते हैं, आमतौर पर आप जाते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास। वो डायग्नोज करता है, दवाइयाँ देता है, साथ में कुछ काउंसलिंग भी देता है। आवश्यकता पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए वो किसी साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर को रेफर भी करता है। अब दूसरी टर्म है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजी के सब्जेक्ट का विद्यार्थी होता है, यानी MA साइकोलॉजी या इसके बाद का जो स्पेशलाइजेशन होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी, उस या इससे संबंधित कोई भी चीज़, तो वो उस चीज़ के लिए, फील्ड के लिए ट्रेंड होता है। यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की अगर यहाँ पे बात आती है, वो साइकोलॉजिस्ट करेगा। आपका चाहे इंटेलिजेंस का टेस्ट है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री का टेस्ट है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, एटीट्यूड का टेस्ट है, वोकेशनल मेच्योरिटी का टेस्ट, ऐसा कोई भी टेस्ट है जो कि मन से संबंधित होता है, हमारी योग्यताओं से संबंधित होता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट करता है। वो बीमारियाँ डायग्नोज नहीं करता, बल्कि वो साइकोन्यूरोटिक इश्यूज के लिए काउंसलिंग भी देता है। वो टेस्टिंग के लिए वो क्वालिफाइड है, काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है, और टेस्टिंग में वो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, और काउंसलिंग में भी वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब तीसरी टर्म आ जाती है काउंसलर। काउंसलर दो प्रकार का होता है। एक तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो बाद में अगर काउंसलिंग में अपना एक्सपर्टीज लेता है तो वो भी काउंसलर बन जाता है। अगर ये सिनेरियो है तो वो दोनों काम कर सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकता है और काउंसलिंग भी कर सकता है, जिसके लिए वो ट्रेंड है। इसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट काउंसलर होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल काउंसलर हो गया, एजुकेशनल काउंसलर हो गया, बिहेवियरल काउंसलर हो गया, यानी अपने फील्ड के लिए वो ट्रेंड होते हैं, अपने फील्ड के लिए वो बेस्ट होते हैं। आपने देखा जो तीनों हैं, चाहे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, लेकिन तीनों का अपने एक स्पेशलाइजेशन है। किसी को नहीं कहा जा सकता कौन किसे बेहतर है, अपने फील्ड में तीनों अलग अलग बेहतर हैं। और जिस प्रकार की आपकी समस्या है उसी प्रकार का आपने चयन करना चाहिए। साइकोटिक डिसऑर्डर है, डायग्नोज कराना है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। साइकोन्यूरोटिक इशू है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कराना है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई काउंसलिंग लेना है तो आप काउंसलर के पास जाएंगे। तो तीनों का आप अपना गुण है, और ब्यूटी ये है, अगर आप गलती से दूसरे के पास चले भी जाएंगे तो आपको रेफर कर देगा, लेकिन अगर आपको पहले उसका नॉलेज होता है तो आपके लिए आसान रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी। धन्यवाद। नमस्ते।